लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में सपा ने जहां रालोद को 7 से 8 सीटें दी हैं, वहीं कांग्रेस को 11 सीटें देने का ऐलान किया है, जिससे सपा ने साफ कर दिया कि बाकी बची सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन कांग्रेस को सपा द्वारा दी गई सीटें गवारा नहीं है, इसलिए अब यूपी के गठबंधन में दरार पड़ सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को सीटें देने के बाद ही 16 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया। अब कांग्रेस इसे ना ही निगल पा रही है और ना ही उगल पा रही है। इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और प्रभारी अविनाश पांडे ने बैठक की और कार्यकर्ताओं को नसीहत दी। जानकारी के मुताबिक प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक में महागठबंधन को लेकर चर्चा हुई और कार्यकर्ताओं से भी यूपी में मिली सीट को लेकर राय ली गई। साथ ही संभावित उम्मीदवारों के नाम भी मांगे। इसके अलावा कार्यकर्ताओं को नसीहत दी गई कि वो समाजवादी पार्टी के किसी भी तरह के दबाव में ना आए। इस बैठक के बाद अब सुगबुगाहट तेज हो गई है कि कांग्रेस प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ सकती है। खबरों के मुताबिक बैठक में कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि सपा ने गठबंधन के धर्म का पालन नहीं किया, लेकिन फिर भी हम सभी बातों पर चर्चा करने और सकारात्मक भाव से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। साथ ही उम्मीद जताई कि आने वाले समय में शायद सब ठीक हो जाए। बता दें कि बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए गठबंधन बनाया गया था, लेकिन जिस तरह से अलग अलग राज्यों में सभी किनारा करते जा रहे हैं और अब यूपी में भी सीट शेयरिंग पर पेच फंस रहा है, तो ऐसे में बीजेपी का सफाया करना विपक्षी दलों के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। अब सबकी नजरें इस पर टिकी है कि सपा कांग्रेस की बात बन पाती है या फिर अलग अलग मैदान में उतरेंगे। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।